रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मेरा नाम है रवि और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। जैसा कि हमने आपको पहले ही खबरों के माध्यम से बताया था कि NRC और CAA को लेकर केंद्र सरकार बैकफुट पर जा सकती है, आज इसी तरीके की एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में केंद्र सरकार 2021 की जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला ले सकती है। 2011 की जनगणना के साथ NPR लागू किया गया था। जानकारी के मुताबिक इस NPR के लिए प्रत्येक व्यक्ति के बारे में 15 जानकारियां जुटाई जाएंगी, जिसमें व्यक्ति का नाम, माता पिता, लिंग, जन्म, शैक्षणिक योग्यता, पता शामिल है। वहीं पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ व्यापक जानकारियां भी मांगी जा सकती हैं। आपको बता दें कि NPR जनगणना का हिस्सा है और जनगणना से पहले इसे अपडेट किया जाता है। पहली बार साल 2010 में NPR रजिस्टर तैयार हुआ था और अब 10 साल बाद फिर से इसे अपडेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार को साल 2021 तक जनगणना के पूरे आंकड़े जुटाने हैं, जिसके कारण NPR पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। NPR पर काम अगले साल अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन अभी से कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल भारत लाइव पर। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।